हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जयास फूड पैलेस। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर करने वाली हूं और इसके लिए मैंने यहां 1 kg चिकन विद बोन लिया है, 4 onions फाइनली चॉप्ड, 2 tomato प्यूरी लिया है, कोरिएंडर लीफ लिया है, ऑयल, कर्ड्स, सॉल्ट लिया है, टर्मरिक पाउडर, चिल्ली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और ये होल स्पाइसेस है, दालचीनी, लौंग, इलायची, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिल्ली 2 लिया है स्लिट करके। अब हमें इस चिकन को मैरिनेट करना है। मैंने यहाँ पे 3 tablespoons कर्ड्स लिया है। वन स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 spoon चिल्ली पाउडर, 1 spoon गरम मसाला पाउडर और 1 spoon सॉल्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 spoon। अब इसे सब मिक्स करना है अच्छी तरह से और इसे मैरिनेट होने के लिए आधा घंटा रखना है, हाफ एन आवर मैरिनेट करना है इसे। अब हमें एक थोड़ा सा कलर डालना है, ये ऑप्शनल है, अगर चाहिए तो डाल दीजिए। और ये बेसन मैंने 1 spoon ऑयल डालकर, इसमें 1 spoon बेसन डालकर थोड़ा फ्राई कर लिया था, इसे भी डालना है। और अच्छी तरह से इसे मिक्स करके 5 minutes रखना है। अब मैं इस बेकिंग ट्रे को ऑयल से ग्रीस करूंगी और उसके ऊपर ये चिकन मैरिनेटेड पीस अरेंज करूंगी। मैं इसे माइक्रोवेव में ग्रिल करने वाली हूँ। इसे माइक्रोवेव में ग्रिल करना है। मैं इसे अब माइक्रोवेव में रखूंगी और इसका टाइम सेट करूंगी 15 मिनट के लिए। ग्रिल कॉम्बिनेशन में 15 मिनट ग्रिल करना है। बीच में हमें एक बार देखना भी है। और स्टार्ट। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 1/2 bowl ऑयल डालेंगे और थोड़ा बटर डालेंगे। अब थोड़ा ही डालना है बटर, बाद में और थोड़ा डालेंगे। इसे थोड़ा हीट होने तक रखना है। उसके बाद इसमें ये सारी होल स्पाइसेस डालना है, लौंग, इलायची और दालचीनी, और 1 second के लिए रोस्ट करना है। इसके बाद हमें 1 spoon जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। और ये स्लिट किया हुआ ग्रीन चिल्ली डालना है और थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। इसका रॉ स्मेल जाने तक इसे फ्राई करना है। अब इसका रॉ स्मेल चला गया है। अब हम इसमें क्रश किया हुआ ऑनियन डालेंगे। इसमें मैंने पानी नहीं मिलाया है और इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है 5-6 minutes फ्राई करना है।
अब हम इसमें टमेटो प्यूरी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 5 to 6 मिनट्स फ्राई करना है, ये पूरी तरह से रॉ स्मेल जाने तक इसको फ्राई करना है और साइड से ऑयल छोड़ने तक इसे फ्राई करना है। अब 15 मिनट्स हो गया है, हम ओपन करके देखेंगे। ये एक साइड से बन गया है, हमें हैंड ग्लव्स पहन के ही निकालना है बाहर ट्रे को। अब हम इसे, आप देख सकते हो ये एक साइड से बन गया है, अब हमें इसे फ्लिप करके और एक साइड 15 मिनट पकाएंगे। अब हमें इसके ऊपर थोड़ा ऑयल ड्रिजल करना है। और इसे 15 मिनट के लिए और ओवन में रखना है। आप बीच में एक बार चेक कर सकते हो 10 मिनट के बाद। ग्रिल और 15 मिनट्स ग्रिल कॉम्बिनेशन। अभी 15 मिनट्स हो गया है, मैं अब माइक्रोवेव ऑफ करके इसे बाहर निकालूंगी। हैंड ग्लव्स पहन के ही निकालना है बाहर, ये बहुत गर्म रहता है। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा ग्रिल हो गया है, अब ये रेडी है। अब हमें इसमें थोड़ा नमक डालना है, थोड़ा ही डालना है क्योंकि मैरिनेशन में भी हमने डाला था। 1 स्पून चिल्ली पाउडर, 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ा कोरिएंडर लीव्स और थोड़ा फ्रेश 2 स्पून फ्रेश क्रीम डालकर हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। एक 5 मिनट्स इसे फ्राई करना है। अब हमें इसमें थोड़ा पानी डालना है ताकि थोड़ा ग्रेवी बन जाए और इसके ऊपर लिड क्लोज करके उसे और 5 मिनट पकाना है। अब हमें लिड खोलकर देखना है, ये बन चुका है। आप देख सकते हैं साइड से ऑयल छोड़ रहा है। अब हम इसमें जो हमने चिकन ग्रिल करके रखा था उसे डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें और थोड़ा पानी डालेंगे, पहले थोड़ा क्रीम डालेंगे। और बटर जो बचा था उसे भी डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा कोरिएंडर लीव डालना है। और अब थोड़ा पानी डालकर इसे और 1-2-3 मिनट लिड क्लोज करके कुक करना है। अब हम लिड खोलकर देखेंगे, ये अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। अब थोड़ा कसूरी मेथी हाथ में क्रश करके डालेंगे और एक अच्छा सा स्टर देंगे। ये अब पूरी तरह से बन चुका है, ये चिकन टिक्का मसाला रेडी है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे।
अभी चिकन टिक्का मसाला सर्व करने के लिए रेडी है। मैं थोड़ा गार्निश करूंगी कोरिएंडर से और थोड़ा क्रीम डालकर इसे गार्निश करूंगी। आप भी इसे एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।